स्थानीय केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने दिल्ली और फरीदाबाद में आयोजित केंद्रीय विद्यालय स्पोर्ट्स मीट में तीरंदाजी खेल में पहली बार भाग लेते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसमें बालक और बालिका दोनों वर्गों ने भाग लिया और 8 युवा तीरंदाजों ने 2 स्वर्ण पदक जीतते हुए कुल 5 पदक जीते। सभी प्रतिभागी बिरसा तीरंदाजी अकादमी खूंटी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन 8 बच्चों की टीम में 5 बालिका और 3 बालक शामिल थे। इस प्रतियोगिता में श्रीकांत कुमार महतो ने अंडर 19 वर्ग में 50 मीटर स्वर्ण और 30 मीटर स्वर्ण पदक जीता। वहीं अंकित कश्यप ने अंडर 17 वर्ग में 30 मीटर रजत पदक जीता, जबकि रुद्र प्रताप सिंह 10वें स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में शिवानी साहू ने अंडर 19 वर्ग के 50 मीटर में कांस्य पदक जीता। उर्वशी कुमारी ने भी अंडर 19 वर्ग के 30 मीटर में कांस्य पदक जीतने में सफल रही। वहीं दर्शिका कुमारी ने अंडर 14 वर्ग में कांस्य पदक जीता। इस उपलब्धि पर वीर बिरसा तीरंदाजी अकादमी के अभिभावक कड़िया मुंडा, उपायुक्त शशि रंजन, जिला खेल पदाधिकारी प्रवीण कुमार, जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कोचे मुंडा, केंद्रीय विद्यालय की प्राध्यापिका रेखा मिंज, शिक्षक मगन कुजूर, पूर्णिमा कुमारी, शैलेंद्र सिन्हा, ईशान जायसवाल, बसंत कुमार, दानिश अंसारी, राहुल कुमार, रोशन कुमार, आशीष कुमार, मोनिका कुमारी सहित जिले वासियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वर्ष 2018 में हुई थी तीरंदाजी अकादमी की स्थापना। खूंटी मुख्यालय स्थित बिरसा स्टेडियम में व्यक्तिगत प्रयास के जरिए 5 बच्चों से शुरू हुई आचरी अकादमी में पिछले 4 वर्षों में कई राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज दिए हैं। वर्तमान में 40 से अधिक बच्चे नियमित अभ्यास कर रहे हैं। अब तक 10 तीरंदाजों का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण एवं झारखंड सरकार द्वारा संचालित सेंटर फॉर एक्सीलेंस तीरंदाजी अकादमी में हो चुकी है। खूंटी जिले की सभी खबरों के लिए हमसे जुड़े, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।